जब जब हम लोग सत्ता गरीबों की सेवा के लिए प्राप्त करते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए, आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हमारा देश और गरीब आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। आप 70 साल कांग्रेसियों को देखा है चलाते हुए राज्य को, देश को, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद गरीब कल्याण योजना जो गरीबों तक पहुंच रही है, पक्का मकान हो, चाहे शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, जितनी भी व्यवस्थाएं, शौचालय हो, सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सभी योजनाओं का लाभ जनता जनार्दन ने लिया है और जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद भी हम सब पर मिलता है। आदरणीय मोदी जी का जो गारंटी था, ये पूरा गारंटी तीनों राज्यों में, सभी राज्यों में लोगों को स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार को दिया। अब इस समय हमारे 19 कार्यों को, जितने कार्य हमारे गरीब कल्याण चल रहे हैं, विकसित भारत जो यात्रा हमारा निकला है, उसके लिए आज राज्य के अंदर सभी राज्यों में प्रभारी मंत्री, बाकी लोग भी जा रहे हैं। जन एक, यह भी एक जन आंदोलन, जैसे स्वच्छता अभियान चला, यह भी यात्रा एक जन आंदोलन बने, इसके लिए भी आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2024 तक देखिए, सपा बसपा सभी को तो देख चुके हैं कांग्रेस, ये जब जब सत्ता में आते हैं जनता जनार्दन को लूटना है। आदरणीय मोदी जी इसके पहले देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब भी भारतीय जनता पार्टी आती गरीबों की सेवा करना, जनता जनार्दन की सेवा करना, जो समस्या है जैसे राम मंदिर, धारा 370, इसको समाप्त करना, पोखरण विस्फोट करना, कारगिल युद्ध में आप देखें, आज देश शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व से मैं आग्रह है कि शांति समृद्धि के ओर आगे बढ़े। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ना आतंकवाद, ना गुंडागर्दी, ना भ्रष्टाचार, ना नक्सलवाद, सब शांति से अपने अपने काम करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। डीएमके सांसद ने गौमूत को लेकर के बयान दिया, डीएमके सांसद ने गौमूत को लेकर